ये खिलवाड़ है फीलिंग्स के साथ। देखिए अदिति जी, मैं तो आपको सुबह से ही कह रही हूँ कि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, वो सुबह से ही हमें गालियाँ दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ने भी मेरे ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियों से अपनी बात शुरू करी। इनके सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से हमें व्यक्तिगत गालियाँ दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विरोध करना है तो करें, हमारा कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोलना है तो बोलें, लेकिन वो लक्ष्मी जी और गणेश जी का तो इस वजह से विरोध ना करें। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 45 मिनट से इस शो पे बैठे हैं, 45 मिनट में वो कहने को तैयार नहीं है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नोट पर होनी चाहिए। इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्मी जी और गणेश जी से क्या आपत्ति है? आतिशी जी, आप शायद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुना नहीं, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी जी की बात सबसे पहले उनके द्वारा की गई है, ऐसा वो कहते हैं। नहीं, मैं तो कह ही रही हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को हम पे कोई भी व्यक्तिगत आरोप लगा ले, हमारा कितना भी विरोध कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ उनकी पार्टी कहां खड़ी है बताएं? प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के, बताएं वो 45 मिनट में वो कहने को तैयार नहीं है कि भारतीय करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। क्या डर है इनको? क्या इनको आपत्ति हो रही है? क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी से परेशानी है? क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोध है? नहीं, आप उनसे क्या कहलवाना चाहती हैं? वो तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को जो आगे बढ़ाए हम उसके साथ हैं, कहा उन्होंने? और मैंने उनसे ये सवाल दो बार मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया, एक बार फिर से कर लेती हूँ, एक बार फिर से कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे ऐसे मूव का आप स्वागत करेंगे ना? शब्द क्यों नहीं कहते आप? ऐसे कदम के साथ है ना जी? जी बार बार देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है, किस तरह से आदित्य जी किस तरह से झूठ बोला जाता और बारंबार बोला जाता है। देखिए मैंने पहले कहा भारतीय संस्कृति का जो संवर्धन करे उसका समर्थन है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, स्वस्तिक जो चिन्ह है, स्वस्तिक के बारे में आप तो जानती होंगी आदित्य जी, स्वस्तिक जो है विष्णु शिव और हमारे गणेश और श्री लक्ष्मी, इनका प्रतीक होता है, उसको झाड़ू से बाहरने का दुष्कर्म केजरीवाल ने किया था, माफी कब मांगेंगे बताइए मुझे? उस पर झाड़ू फिराने की माफी कब मांगेंगे मुझे बताइए ना? पहले माफी कब मांगेंगे अपने कुकृत्य पर? अपने कुकृत्य पर कब आतिशी जी अरविंद केजरीवाल कब माफी मांगेंगे मुझे बताइए ना? अरविंद केजरीवाल ने स्वस्तिक पर झाड़ू फेंकने का फिर लगातार चिल्ला रही है आतिशी जी, फिर चिल्ला रही है शुक्ला जी। अरे अदिति जी, ये क्या तरीका है आपकी बहस में फिर चिल्लाने लगी है अदिति जी? शुक्ला जी फिर क्यों चिल्लाने लगती है? एक सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी, इनकी सुन लीजिए बात, क्यों चिल्ला रही है? एक सेकंड रुकिए सर, अब एक सेकंड रुक जाइए। आतिशी जी, आतिशी जी, आप उनसे अभी सवाल पूछ रही थी, अभी उन्हें जवाब पूरा करने दीजिए। हर बार मुझे आकर इंटरवीन करना पड़ता है मैम, किसी पैनलिस्ट ने दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट नहीं किया, एक पैनलिस्ट ने इंटरप्ट नहीं किया मैम। आप हर बार इंटरप्ट करेंगी ये तो सही चीज नहीं है, और इसमें दर्शकों का वक्त जाया होता है मैम, दर्शकों का वक्त जाया होता है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। या तो आप लीजिए 20 सेकंड और बात पूरी कर लीजिए, और मैम मेहरबानी करके उसके बाद इंटरप्ट मत कीजिएगा। 20 सेकंड ले लीजिए, आपका जो सवाल है पूछ लीजिए 20 सेकंड में, 20 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए अपना। देखिए एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको एक मिनट दूंगी, आप इंतजार कर लीजिए, इनका सवाल सुन लीजिए, फिर चिल्लाएंगी मेरे बीच। नहीं नहीं सर, आप एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी एक ही सवाल आपसे पिछले 45 मिनट से पूछ रही हूँ, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। क्या भारत के करेंसी नोट्स पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो का समर्थन करते हैं, हाँ कि ना? और अगर आप हाँ बोलने को तैयार नहीं है तो पूरा देश, ठीक है मैम जवाब ले लीजिए, ये सवाल आप पांचवी बार पूछ रही हैं, और वो हर बार यही कहते हैं हम भारतीय संस्कृति के साथ हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है मैम जवाब ले लीजिए आप, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट का वक्त है, दूसरे पैनल को मौका देना प्लीज, आप कोई इंटरप्ट ना करें, मुझे सिर्फ प्रेम शुक्ला की आवाज चाहिए, सिर्फ प्रेम शुक्ला की जी। क्या भारतीय, क्या आतिशी जी को भारतीय संस्कृति में श्री लक्ष्मी श्री गणेश नहीं नजर आते? और मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो स्वस्तिक चिन्ह है, स्वस्तिक चिन्ह में श्री गणेश श्री लक्ष्मी श्री विष्णु श्री शिव इन सबका सम्यक रूप है, उस रूप पे झाड़ू फेंकने का जो कुकर्म केजरीवाल ने किया था उसके लिए माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर का जो उन्होंने विरोध किया उसके लिए माफी कब मांगेंगे? उनके लिए राजेंद्र गौतम ने जो कहा कि गौरी गणेश की हम पूजा नहीं करेंगे,
अरे गौरी गणेश कुछ नहीं होते, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से या तो निलंबित करें और उसके लिए माफी कब मांगेंगे। हम तो श्री लक्ष्मी श्री गणेश का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लेकिन आपने जो बारंबार हिंदू आस्थाओं पर चोट करने का दुष्कर्म किया है उसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कब माफी मांगेगी जरा बताएं।